आज मैं आपको लेके चलूंगा प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में। कैसे आप वृंदावन में आके उनके आश्रम तक पहुंच सकते हैं, क्या है उनके आश्रम के जाने का रास्ता, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आपको महाराज जी के आश्रम में जाने के लिए सबसे पहले परिक्रमा मार्ग आना पड़ेगा। अभी हम परिक्रमा मार्ग जा रहे हैं। राइट साइड में आपको इस्कॉन मंदिर दिख रहा होगा और इसके सामने ही आपको परिक्रमा मार्ग दिख रहा होगा। इसको रमन रेती परिक्रमा मार्ग कहते हैं। यहाँ चौकी भी है पुलिस चौकी, तो उसका नाम ही रमन रेती पुलिस चौकी है। तो आप किसी से भी पूछ के आ सकते हैं। आपको सीधा चलना है, ठीक है। सीधा चलेंगे आप, थोड़ी दूर पे ही भक्ति वेदांता हॉस्पिटल है जो कि इस्कॉन वालों का ही है। उसके जस्ट सामने जो गली है, उस गली के अंदर ही महाराज जी की ये आश्रम है जिसका नाम है केली कुंज। ये हम हॉस्पिटल पर आ चुके हैं। ये आपको जो राइट साइड में दिख रहा है ये हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल के ठीक सामने वाली जो गली है उस गली के अंदर ही आपको जाना है। ये आपको भक्ति वेदांता का जो बोर्ड दिख रहा है ना, इस बोर्ड के सामने एक और बोर्ड लगा हुआ है, श्री राधा रमन बिहार कॉलोनी। इस कॉलोनी के अंदर आपको घुसना है। इस कॉलोनी के अंदर घुसते ही आपको सबसे पहला कट जो राइट में दिख रहा होगा, आपको नाम भी दिख रहा होगा केली कुंज का, इस गली के अंदर एंट्री करना है। और ये हम आ चुके हैं महाराज जी की कुटिया पर, जहाँ पर विराट कोहली भी आए थे। और यहाँ पर आप 3:30 बजे के बाद आ सकते हैं। सुबह 3:30 बजे के बाद यहाँ पर आपका आना अलाउड है। और अभी मैं आपको इसमें टाइमिंग वगैरह भी दिखा दूँगा, आप उसको वीडियो को स्टॉप करके टाइमिंग देख सकते हैं। इस सामने जो बोर्ड लगे हुए हैं इसमें टाइमिंग लिखी हुई है, सुबह 3:30 बजे से आप आ सकते हैं यहाँ पर, और शाम के 3:15 तक। और महाराज जी ने कुछ यहाँ पर चेतावनी भी दे रखी है कि कुछ लोग सोचते हैं ना कि यहाँ पर हमारा कल्याण हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप श्री जी के लिए यहाँ पर आ सकते हैं उनकी कृपा लेने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको महाराज जी के दर्शन करवाऊंगा आश्रम के अंदर ले जाके। वैसे वहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, मगर मैं कोशिश करके आपको अंदर की वीडियो जरूर दिखाऊंगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट में बताइए। आगे आपको क्या क्या देखना है उसके बारे में आप हमें सजेशन इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं। हमारा पेज है वृंदावन फील के नाम से, वहाँ पर हम डेली वृंदावन की अच्छी अच्छी रील्स डालते हैं।